इधर में बस्ती है, देख रहे हैं। अगर आपको मोबाइल से बात करना है तो आपको इधर आना पड़ेगा, देख लीजिए। ऊपर पहाड़ में चढ़ना पड़ेगा, तब जाकर टावर मिलेगा। वहाँ चढ़िएगा तो जियो और एयरटेल दोनों का टावर मिलेगा। यहाँ पर रोजगार का साधन तो ज़्यादा आपको दिखा नहीं देगा। यहाँ पर सब महुआ सुखाया जा रहा, और हम लोग रोड में जितना आए सबसे ज़्यादा महुआ का ही पेड़ है, और यहाँ का रोजी रोटी के लिए यही महुआ को सुखा कर ये लोग बिक्री करते हैं। और रोड में जो भी हम लोग को नज़र आए सब महुआ ठोके नीचे बेचने के लिए ले जा रहे थे। आप जहाँ भी देखिएगा सब महुआ सुखाते हैं ऐसा। हम लोग यहाँ पर शादी का जो मेहमानी होता है उसी में आए हुए हैं। हम लोग लड़का तरफ से हैं और ये लड़का का गांव और उसका कुछ फैमिली है, और बाएं साइड के कुर्सी में लड़की पक्ष के लोग बैठे हुए हैं। ये वाला चर्च है और ये सुशील का घर है, और सारा प्रोग्राम हो गया है, अब खाना खाने का समय हो रहा है। खाना खाने के बाद हम लोग लड़की पार्टी को विदाई कर दिए और रात को हम लोग वहीं रुक गए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के टाइम है, देख लीजिए गांव का माहौल। और हम लोग यहाँ पर छोटा सा ये नदी नहीं बोलेंगे, दाढ़ी दाढ़ी इसको बोलते हैं, वहीं पर आए हैं फ्रेश होने के लिए। और चारों तरफ देख लीजिए जंगल ही जंगल है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग इस पहाड़ से नीचे उतरेंगे गांव से, फिर दिखाते हैं। चढ़ने में तो 1.5 घंटा लग गया था हम लोग का, अब उतरने में कितना समय लगेगा अभी देखते हैं। देख लिए गांव में कुछ इस प्रकार का, ये जो लकड़ी है इसको पानी में डाल के मजबूती के लिए इसको पानी में डाल के छोड़ दिया जाता है, ताकि एकदम लोहा के जैसा मजबूत हो जाए, और इसको घर में उपयोग करने के लिए लाया जाता है, घर में पिलर या और कुछ भी। देख लीजिए बाबा को इतना बड़ा लकड़ी लेके चढ़ रहे हैं ऊपर। हम लोग तो अपने शरीर को लेके चढ़ने में सांस फूल जाता है। देखिए सुबह का टाइम है, सब अपना महुआ चुनने के लिए निकल के। नीचे में भी गिरा होगा, यहाँ का रोजी रोटी का यही एक साधन है अभी फिलहाल महुआ। देखिए सुबह सुबह गांव की औरतें देखिए पूरा तैयारी के साथ, ये लोग अपना अपना यहाँ का जो रोजगार है महुआ चुनने का, ये लोग पूरा तैयारी के साथ अभी सुबह में निकल जाएंगे। कितने बजे आते हैं आप लोग चुन के? चुन के वो है 4 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। 4 बजे अभी चुन के आ गए हैं ना?
रह गए थे। ओ आज थोड़ा लेट हो गया ना? नहीं, हम लोग घर से आते थे तो रात में ही रह गए, शाम को उतर जाएंगे 4 बजे। अच्छा, आप लोग मतलब नीचे से आए? नीचे से आए हम लोग। बच्चे सब अपना अपना तैयारी में जा रहे हैं, खाना पीना सब लेते हुए ना। फिर यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं सब कोई को छोड़ के। फिर हम लोग गांव से निकल चुके हैं, अब फिर अभी पहाड़ नीचे उतरना है। हाँ चलो ठीक है, तुम सर ये काम कहा मिलता है ये देखिए, ये है दुकान। चलिए जी आप, हाँ हाँ कहाँ घर द्वार दुकान में कहाँ कर रखे हैं दुकान में कहाँ? देखिए ये है दुकान, थोड़ा सा आपका वीडियो बनाते थे ना। देखिए अंडा उंडा सब रखे हैं, पराया सब चीज है थोड़ा थोड़ा, लेकिन यही गांव से थोड़ा सा दूर में है। हाँ टच नहीं करेगा। यहाँ देखिए पानी कुआं है और नीचे में पानी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? महुआ चुनने? ये लोग सब महुआ चुनने। यही तो अभी लेकर आप ही तभी उधर से लेकर आ रहे थे ना, ये वाला को लेकर आ रहे थे ना सुबह से। और इसको क्या कर रहे छिल? इसको पतला थोड़ा कर रहे थे, वजन लगल है। अच्छा, फिर इके क्या करबे? इके क्या करबे? घर में लगा दो। घर में लगा दो। अच्छा ठीक है। पहाड़ के ऊपर में भी घर है। छः 24 अभी हुआ है, हम लोग उतर रहे हैं, देखते हैं कितना समय लगता है उतरने में। देख लीजिए नजारा ऐसे है। जिंदगी का सेकंड जन फर्स्ट जन लग रहे हैं पहाड़ों की यात्रा का जन है। इसके का बैलेंस भी तो चलना है ना, और हो जाएगा फिर अपने। जंगल में मोबाइल रिंगटोन बज रहा है, चैटो चैटो चिड़िया वाला रिंगटोन है ना।
देखिए आधा तो हम लोग लग रहा आगे पर, ये इसलिए है स्मरण, ये आदमी यहाँ पर उसको मना किया गया था, ये मत जाओ, वो लोग बोला कि पियल खाल मत जाओ, ये बाबू साहब आ रहा था, ऐसा लुड़का की नामो निशान नहीं। निकाला होगा करने में डेढ़ घंटा लगा होगा। हाँ हमको तो गया है तो चट्टान सा एकदम पत्थर सा थकल में और थकाते जा रहा बताइए। यहाँ से आप देखिएगा किताब पूरा हेड वाला है, इतना बहादुरी का काम है। सुशील अबरी बोलना ना काम है मानी से हम इधर करेंगे बोलो बोलेगा ये तुम अपना इतने जा दूसरा शादी करो बोले उधर से सुख यहां पे खड़ा कर पूरा खड़ा चढ़ा दो ये आपका ताकत तो बैठ गया बड़का बड़का हो रहा है। अब नहीं हो अब नहीं हो हां जितना ऊपर देखते हैं और यहाँ हिम्मत टूटता है लेकिन क्या करें जाना ही है। बताइए तो अब यहाँ देखिएगा ये चलिए सब कुछ आदमी से होता है। वाह असंभव परमेश्वर संभव परमेश्वर से तो हम लोग को भी असंभव को संभव करने वाला ही बनाया है, इसलिए आदमी हर जगह मार्ग ओरिजिनल मार्ग ईसाई लोग बिना रास्ता में कैसे चला होगा जी ऐसे भी नहीं। करीब करीब हम लोग अब उतर नहीं वाले हैं, बस उतर ही गए, अब थोड़ा धूप भी आ गया है, धूप भी शरीर में लग रहा है। फाइनली हम लोग नीचे उतर गए हैं, देख लीजिए वहाँ से एकदम ऊपर से। अभी भी जहाँ हम लोग कल रुके हुए थे वहाँ पर अभी जाने में थोड़ा सा और 5 मिनट जैसा लगेगा, और जब हम लोग उतरने के लिए शुरू किए थे उस टाइम 6:24 हुआ था, अभी हो बजी है 6:55। आधा घंटा जैसा उतरने का, चढ़ने में 1.5 घंटा लग गया था, अभी उतरने में हम लोग कहीं बैठे भी नहीं, आराम से उतरे, अच्छा लगा, शरीर नहीं थका लेकिन पैर थक गया उतरने के टाइम में। अभी देख लीजिए हम फाइनल यही पहाड़ के ऊपर में चढ़े, कल अभी हम लोग उतरने में चढ़ने में 1.5 घंटा उतरने में 1/2 घंटा लग गया। हम लोग सब यहाँ नीचे उतर गए हैं और ये पेड़ के नीचे में जहाँ हम लोग कल सोए हुए थे, देखिए ये जामुन पेड़ है, वहीं पर आकर बैठे हुए हैं, और यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी पूरा बढ़िया है, सब अपना अपना मोबाइल में सब देखिए लगे हुए हैं। देखिए यही नदी को बांधा है और यहाँ पानी जमा हुआ है, यहीं पर अभी हम लोग नहाएंगे उसके बाद फिर जाएंगे, देख लीजिए। और ऐसे नदी में ज़्यादा पानी नहीं है लेकिन यहाँ पर ये लोग मिट्टी को जो रख के बांध दिए हैं तो यहाँ जमा हुआ है पानी, यही पानी में नहाएंगे, मज़ा आ रहा। सुशील वहाँ देख लीजिए, सुशील नहा रहा, लेकिन पानी बहुत ठंडा ना, बहुत ठंडा पानी, इतना ठंडा है ना कि क्या है, फ्रिज का जैसे एकदम पानी एकदम पूरा ठंडा है। मेन बात है उधर जो पहाड़ से होते हुए आ रहा नदी, इसलिए पानी बहुत ठंडा है। ठीक है
कम से कम इतना वीडियो देखे आप लोग, कम से कम एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से कीजिए, और शेयर भी कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए और वीडियो नापिए। का मछली बोलते हैं इसको? चेलहा बोलते हैं नदी का, सबसे टेस्टी मछली। ये टेस्टी है, ये वाला टेस्टी है, ये मछली खाने से लगा दूसरा मछली खाइए ना। घर चेलवा, चेलवा मछली है नदी का, देख लीजिए कितना है। यहाँ पर हम लोग सब नहा धोवा लिए हैं और फिर यहाँ से अब फिर चलते हैं उधर आगे। अभी पैदल चलना पड़ेगा थोड़ा दूर, फिर रोड आएगा और फिर ऑटो में बैठेंगे, फिर स्टेशन जाएंगे। और पहाड़ देख लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है पहाड़, यहाँ से नज़दीक ही है, वही पहाड़ दिख रहा, उसी में हम लोग चढ़े थे। कितना चुना? इतने ही? एक महुआ है ये तो। फिर भी तो बहुत है, गिरा है। लास्ट है ना अब। कैसे केजी बेचता? देखिए महुआ चुन रहा बच्चा लोग। 40 40 सूखा के। हाँ, कच्चा वाला? कच्चा वाला तो बेचता। और फाइनली हम लोग रोड में आ चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पर एक बोर्ड है स्कूल का है। हम लोग इधर से उस पहाड़ से आए और अभी समय हो गया है 9:30 बज गया। अब यहाँ ऑटो बैठेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेशन जाएंगे। ये वाला, यही वाला सरजू नेतरहाट, ये वाला रोड जाती है इधर से। ऑटो में हम लोग बैठ गए हैं, अब स्टेशन की ओर जा रहे हैं। फाइनली हम लोग बड़दाना स्टेशन आ चुके हैं। ये बस स्टेशन और फिर हम लोग अब उतरने वाले हैं। फाइनली हम लोग बड़दाना आ चुके हैं और हम लोग का पहाड़ वाला ट्रिप खत्म हो चुका है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। सब कोई को बाय बाय।